Okay, so the next I'm going to call one by one, introduce you and call you everyone. Okay, so let's welcome the director of the song, Sameer and Anik, on a stage right here. Music director. Music director. Sameer and Anik. Let's welcome Pawan and Bob, the director. Well, I would request to, we'll start with the chief guest and we'll start sharing the experience, the overall experience of the shooting. Just would request everyone to share your experience while shooting. So let's start with sir. Over here, let's start with you. You start sharing your experience while you shot everything. Aapka overall experience kaisa raha? Thank you so much for having us here. बिहाइंड द कैमरा पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ समीर भाई को, जो हम लोग को ये चांस दिया, हम लोग के ऊपर ट्रस्ट किया, पवन और बॉब के ऊपर ये गाना हम लोग कर सकते करके, तो थैंक यू सो मच भाई। और सबसे अच्छा अपनी टीम का कॉल ये था कि हम लोग हीना जी को और अब्राम जी को और उनकी गैंग को हम लोग ये गाने में इन्वॉल्व करते, क्योंकि आप लोग ने अभी गाना देख ही लिया है कि गाने का आउटपुट क्या आया है ये लोग के वजह से। ये पूरा ये लोग का मेहनत है, अपनी टीम का सबका मेहनत है। ये हम लोग ये नहीं बोले कि हम लोग ने किया है, ये हम लोग ने सबने मिलके आज जो भी आज ये गाना हुआ है सब हम लोग की वजह से हुआ है। और रूपेश भाई का हम लोग के ऊपर ब्लेसिंग हमेशा से था ही, तो हम लोग जब भी कोई भी काम करते हैं हमेशा उनका सपोर्ट अपने साथ है। तो थैंक यू रूपेश भाई, थैंक यू सो मच। सो इसी बात पे मिस्टर रूपेश आप ही कुछ कह दीजिए। सबसे पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये पहला गाना पवन जी ने अपने बहुत सारे गाने किए रहेंगे, पर ये गाने पे मुझे बुलाया, मैंने एक सेट पे भी गया था, उनका सेटअप देख के मुझे पॉलिटिकल लाइफ से कुछ अलग देखने मिला। तो उनकी मेरे हमेशा उनके साथ शुभकामनाएं रहेगी और बेस्ट विशेष पूरे टीम को, स्पेशली इनका फैन मैडम का तो और पुत्रन सर के फैन पूरा महाराष्ट्र ही है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है नीलेश को, जो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है और उसने कहा है नीलेश कहा है नीलेश ने हमको ये दिया था चांस ये गाने में करो, समीर भाई ने हम पे भरोसा किया और पूरा छोड़ दिया था हमारे पे, पवन और मेरे पे, कि आप लोगों को जैसा डायरेक्ट करना है, कोरियोग्राफ करना है, शूट करना है, एडिट करना है, पूरा हम लोगों ने सब किया और टीम वर्क बहुत अच्छा हुआ इसमें। आई मीन टू से लाइक प्रोड्यूसर से लेके एक स्पॉट बॉय तक सबने मेहनत से 100% काम किया और बाकी तो ऑडियंस के हाथ में है, जो ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, शेयर करे और सुपर हिट करे गाने को, क्योंकि बहुत मेहनत है ये गाने के पीछे सबकी बहुत मेहनत है। वो ज्यादा स्पेशल थैंक्स बोलना है जावेद को, जो बैक हैंड से उसने सबका एक्चुअली सबको हैंडल किया, आर्टिस्ट से लेके कोरियोग्राफर से लेके, ही इज द बेस्ट पर्सन ऑन द सेट। और जब हम मतलब मेहनत करते हैं बट उसकी मेहनत हम सबसे डबल थी। मैं बता नहीं सकता हूँ, सर ने मुझे इतना नचाया कि अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो पूरे एक साल का नहीं होगा जिन्होंने मुझे एक रात में उन्होंने नचाया। तो भाई एक चीज सबको बोलना चाहता हूँ कि एज अ डायरेक्टर हम लोग ने गाना प्लान किया, एज अ प्रोड्यूसर समीर भाई ने, नीलेश भाई ने, सबने पैसा लगाया, फिर उसके बाद में एनिक ने अच्छे से, एनिक और समीर भाई ने दोनों ने म्यूजिक क्रिएट, और फिर बैक एंड हम लोग का रूपेश भाई का हमेशा से था, वी हैव ब्यूटीफुल एक्टर्स अपने साथ जो है हीना है, पुट्टन भाई। तो और एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा लोग भूल जाते हैं कि बिहाइंड द कैमरा अपने डीओपी हो गए बिकॉज ऑफ हिज लाइटिंग, मतलब जो गाने का जो फील देख रहे हो ना
अपना डीओपी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो परवेश पठान करके डीओपी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो थैंक यू सो मच। और उसके बाद में आता है सबसे, मतलब जब भी आप कोई गाना देखते हो तो सबसे पहले आंखों में आप क्या देखते हो, व्यू। तो गाने का व्यू ये क्रिएट किया है हम लोग का, तो आइडियाज था ही, बट वो आइडिया को क्रिएट करना राइट हम लोग का लखन करके है, लखन काचोले जो अपने आर्ट डायरेक्टर है, तो उसके लिए धन्यवाद सो मच लखन परवेश भाई, थैंक यू सो मच। आपने अच्छे से सेटअप बनाया, वो सेटअप को परवेश भाई ने इतने अच्छे से लाइट अप किया, तब जाके हम लोग ने हम लोग का काम आसान हो गया कुछ कर पाए, क्योंकि आज जो भी दिख रहा है वो लोग के लाइटिंग की वजह से, वो लोग का आर्ट वर्क की वजह से, बाकी तो हम लोग तो है ही इधर, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टच का फोन आजकल गांव में ज्यादा सबके पास नहीं, पहले नहीं हुआ करता था, और ये अभी जिनके पास नहीं उनको मिल जाएगा, बोल दो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। जब मेरे पास आई थी उन्होंने मुझे बोला था करके टच का फोन, मैंने बोला ये टच का फोन इज क्वाइट ट्रेंडिंग, आजकल सबके पास ये फोन होता है और रील्स आजकल सब लोग ज्यादा, तो ये गाना बहुत कैची गाना है, सो ये सोचकर मैंने ये इनपुट अपना डाला करके कि आई वांट टू डू द सॉन्ग एंड आई वांट टू मेक इट करके इंस्टाग्राम ऑन द नेक्स्ट लेवल, ग्लोबल पे धूम मचा दूंगी, सारे इंटरनेट पे धूम मचा दूंगी। सो या अब आपका काम है करके कि ये गाने को ग्लोबल ही धूम मचाना है, सो प्लीज प्लीज शावर योर लव टू आवर सॉन्ग, एंड जितना भी हम सब ने मेहनत की है प्लीज प्लीज मेक लॉट ऑफ रील्स वीडियोज एंड शावर योर लव विद and your blessings. Thank you very much guys. अरे very important, सब लोग please जाके subscribe करना सबसे पहले YouTube Entertainment, अपना जो गाना है YouTube Entertainment पे आया YouTube पे, तो अब्राहम भाई आपको बुलाए और चैनल को subscribe करना जरूर please, बहुत मेहनत की है भैया, थोड़ा तो लिहाज करो और swipe up और बनाओ reel। क्या बात है, यस वी नीड योर लव, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट यू मोर इना, यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ कोर्स इट्स अ लवली अपॉर्चुनिटी, वी कैन सी ऑन स्क्रीन एंड हाउ गॉर्जियस एंड हाउ वेल यू प्लेड योर कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू हाउ वाज योर ओवरऑल द जर्नी, 8 hours में जैसे आपने शूट किया, तो शूटिंग के वक्त का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे अपने कॉलीग के साथ? मैंने काफ़ी आइटम सॉन्ग्स किए हैं लाइफ में, एंड दिस वाज अ म्यूजिक वीडियो एंड इट हैड अ इम्पैक्ट ऑफ अ टच ऑफ आइटम नंबर इन इट, सो मेरे लिए बहुत एंथुजियास्टिक था करके कि ये म्यूजिक वीडियो होने वाला है एंड इट विल बी रीचिंग, बिकॉज मूवीज करते हैं तो कुछ कुछ नहीं दिखते, बट म्यूजिक वीडियो आजकल ओवरऑल ग्लोबली लोगों के पास पहुँचता है, सो या दिस वॉज वन ऑफ माई थिंग ऑल्सो करके, एंड शूटिंग करने के टाइम पे जो जो मुझे बॉब और पवन बोलते जा रहे थे करके, हीना मुझे ये फील चाहिए, मुझे ये फील चाहिए, मैंने सिर्फ अपने आप को वो जगह पे खड़े होकर वो फील देने की कोशिश की है, मैंने ये नहीं सोचा करके कि मैं अपना खुद दिखाऊँ, बिकॉज एक क्रिएशन होता है, एक उसका दिमाग होता है, हम एक्टर्स हैं, हमको वही करना होता है जो उनकी थिंकिंग है, जब हम हमारा खुद का करते दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फॉलोइंग अप एवरीबडीज थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग, और आई डोंट नो आई लव डांसिंग टू द कोर्ट, मतलब मुझे इतना डांसिंग पसंद है कि मैं उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं, तो जब उन्होंने एक्सप्रेशंस बोले तो इट जस्ट केम आउट इनसाइडली, और जब मैं काम करती हूँ ना मुझे वो काम करना ही पसंद है, आई थिंक सो मुझे लाइफ में काम करना ज़्यादा पसंद है, सो या इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद बॉब पवन एंड जो हमारे डायरेक्टर थे, जो फाइनेंसर थे, जो भी थे उन्होंने इतना फैमिली बॉन्ड दिया है, मतलब वो मुझे लगा नहीं कि मैं काम करने जा रही थी, इट वॉज लाइक हीना यार तेरा गाना है तू कर ले यार, बिंदास कर ले, तू सोच मत, तू इतना भी सोच मत, मैं आई एम एक्चुअली लाइक दैट, आई डोंट वांट टू बी लाइक क्या बोलते हैं कि एक सोफिस्टिकेटेड, आई एम अ वेरी बिंदास एंड अ वेरी आउटवर्ड पर्सन एंड वेरी बोल्ड इन माई वे, सो या आई पुट इट माई 100% इन टू इट एंड दिस इज हाउ वी गॉट द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर सॉन्ग, सारे ही टीम मेंबर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। They all can ask anything, whatever they feel like. The mic is yours. मैंने पहले मुझे ये बताओ करके आप लोगों को गाना कैसा लगा? आपने देखा गाना? आप लोगों ने देखा, कोई रिएक्शन मिला ही नहीं है मुझे अभी तक। एकदम अच्छा लगा। भाई आप लोगों का कैसा? डांस करने का मन किया कि नहीं और अपनी वीडियो को लेकर दोगे कि नहीं अभी टच का फोन? लास्ट में करेंगे डांस। शादी का मजा आने वाला है। भाई शादी का मजा आएगा। कभी कभी। अभी गेट बंद करवा रहा हूं। सब जगह ग्रिल बना
आगे जाना। एग्जैक्टली रील तो बनाना ही है। और अभी आपके कोई क्वेश्चन है जो आप कोई भी टीम मेंबर से पूछना चाहते हैं, यू कैन यू वांट माइक 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 ओके टिको पूछना था। आप पूछ सर, पूछते हैं सर, जो डायरेक्टर है इस गाने के पवन और बॉब, सबसे पहले ये बताइए कि गाने का ब्रेन चाइल्ड कहां से आया, किसका आइडिया था और इसे एक नए प्लेटफॉर्म पर है ना क्यों रिलीज किया गया, ये दो चीज बता। वो गाना हमको पहले सुनाया था नीलेश ने, समीर भाई ने, और बोले थे कि देखो ये गाना है टच का फोन, इसको आप लोग विजन करो कैसे शूट करना है, कैसा डायरेक्शन होगा इसका, ये होगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी क्या, इंटरफेरेंस नहीं था, प्रेशराइजेशन नहीं था, हम पे छोड़ दिया था पूरा, आप लोग आपके हिसाब से सेट डिज़ाइन करो, कॉस्ट्यूम अपने हिसाब से दो, कोरियोग्राफी अपने हिसाब से दो, डायरेक्शन अपने हिसाब से दो, टेकिंग वगैरह एडिट वेडिट जो भी था। तो इसके लिए आउटपुट बहुत अच्छा आया इसका, और स्पेशली मैं थैंक्स बोलूँगा समीर भाई और निलेश को, क्या छोड़ दिया था हमारे पे पूरा गाना। और दूसरी बात, इना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिससे मैं पहले भी बोला हूँ क्या, दूसरी कोई एक्ट्रेस गई तो थोड़ा डिफिकल्ट होता उसके साथ, बट लाइक वन टेक चूज करना और हर 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 टेक में अच्छा परफॉर्मेंस देना विद एक्सप्रेशन एंड ऑल, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आई रियली अप्रिशिएट हर एंड इना डिड अ वेरी गुड जॉब। और पुत्तन भाई और गैंग है जो, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया पूरे गाने में, मतलब पूरा धूम मचाया, जितना भी आपको दिख रहा है मस्ती इनके वजह से यार, ऑफ स्क्रीन भी ये लोग ऐसे ही रहते हैं, ये ट्रू, दिस इज ट्रू, ना जो एनर्जी रहता है ना ये लोग की वजह से बना के रखते हैं स्पेशली लोग। और दूसरी बात, म्यूजिक माइंड ब्लोइंग म्यूजिक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मतलब स्टार्ट टू एंड फ्लो है ना जो, वो आप बोर नहीं होंगे, तो मजा आया इनके सबके साथ काम करके। और हमारे जो डीओपी है परवेश पठान, उनका बहुत सबसे बड़ा काम उनका था एक्चुअली, क्योंकि ये 8 आवर्स में शूट करना पूरा गाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो बहुत फास्ट है और टैलेंटेड है, तो जल्दी जल्दी लाइटिंग कर देते थे, शॉर्ट क्लोजअप्स लगाना, उसके बाद वाइड वाइड के बाद मिड, ये वो सब, तो उन्होंने हमारा बहुत टाइम बचाया। और स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ उनको, परवेश पठान जी को दिल से थैंक्स बोलता हूँ कि उनकी वजह से पॉसिबल हुआ ये इतना कम टाइम में शूट। थैंक यू परवेश भाई। इस गाने के लिरिक्स के राइटर के बारे में बताइए, क्योंकि गाना काफी ट्रेंडी हो जाएगा ये, और ऊपर से काफी आज के दौर का गाना है, ट्विटर फेसबुक इंस्टा, इसको राइटर ने आज का दौर पकड़ के ये दिमाग में रख के ये गाना लिखा है। तो उसमें जो आप देखेंगे ग्लोबल पे धूम मचा दूंगी, इंस्टा पे रील बना दूंगी और ट्विटर पे आग लगा दूंगी, वो सब आज का जनरेशन को दिमाग में रख के, क्योंकि आजकल यही चल रहा है इंस्टा रील्स एंड ट्विटर एंड ऑल, तो उन्होंने दिमाग में रख के बहुत अच्छा काम किया है। और उसका अंतरे भी आप सुनोगे तो उसकी लाइंस बहुत प्यारी लिखी है। बेसिकली जो इसके लिरिक्स राइटर है हमारे खुद समीर भाई है, इन्होंने लिरिक्स लिखी है एंड कंपोजिशन बिहाइंड ऑल म्यूजिक आइडिया इनका था पूरा। सो फर्स्ट स्टेप तो इन्होंने ही उठाया, वहाँ से क्रिएशन स्टार्ट हुआ। तो लिरिक्स के लिए तो पूरा श्रेय एंड कंपोजिशन एंड म्यूजिक डायरेक्शन साथ में। क्या बात है, तालियां हो जाएंगे। म्यूजिक भी काफी अच्छा है सर आपका, म्यूजिक भी काफी अच्छा है। थैंक यू सो मच, गाना बहुत चलेगा ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। का जो ट्यून है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया, यहाँ पे भी जैसे देखा बहुत ज्यादा है ना हल्ला गुल्ला हुआ। जी जी जी। म्यूजिक किस तरह से आपने कंपोज किया, किस तरह से प्रोसेस किया? बहुत रातें निकाली है भाई, बहुत कंटिन्यूसली, काफी रात, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। इनफैक्ट 3 से 4 मंथ पहले तो एक ब्रेक भी आ गया था इस सॉन्ग में, देन उसके बाद फिर से जब कंटिन्यूसली स्टार्ट हुआ तो समीर भाई एंड मैं दिन और रात कंटिन्यूसली काम चल रहा था, एंड हमारी टीम है पूरी आज साथ में है, कुछ नया करते थे, फिर तो हमारे पांडे जी हैं, उन्होंने ये लीड बजाया जो इसमें बसता है, जो प्रदीप पांडे जी। हां थैंक यू सो मच प्रदीप जी, और प्रदीप पांडे जी, सो वो जो लीड है पांडे जी ने बनाई है, एंड म्यूजिक समीर भाई एंड मैंने साथ में मिलकर क्रिएट किया। हिना मैम को किस तरह से अप्रोच किया गया गाने में, हिना मैम को सर को अप्रोच किस तरीके से किया गया? हिना मैम से हमने, हम सोच रहे थे कास्टिंग के लिए एक फेस ढूंढ रहे थे कौन सा फेस फिट होगा, तो हमको हिना मैम का भी फोटो आया, वीडियो देखे मैं हिना मैम के, तो मैं बोला दिस इज परफेक्ट फेस फॉर दिस सॉन्ग, एंड देन वी अप्रोच हर, एंड थैंक यू सो मच हिना जी, आप गाने में आए। अरे थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे कंसीडर भी किया उसमें। मैम यू लुक रेविशिंग इन द सॉन्ग एंड सर भी बहुत ज्यादा धमाल करे गाने में, और वरुण सर भी है। गाने का किस तरह, इसका 8 घंटे में शूट हुआ, कितना मतलब मुश्किल होता है गाने इतना जल्दी शूट होना, इतना बढ़िया बनना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, कैसा लगा आपको? जैसे आपने कहा इट्स नॉट ए इजी टास्क, ऑब्वियसली मेहनत लगती है, अगर मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट, उसका फल अच्छा मिलता है।
सो हम सब ने यही, और आई थिंक मैंने अपने लाइफ में से मेहनत करना, आई थिंक लक, आई जस्ट बिलीव कि वो लक होता है, आई जितना मेहनत करोगे कभी ना कभी उसका फल आपको मिलेगा, जैसे अब्राम भी अपने लाइफ में आई थिंक मैंने उनको मेहनत करते हुए देखा है। सो या जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो फिर वो दिखता है कि हाँ हमको काम करने की चाह है, तो वो चाह के वजह से आज जो आपको लविशिंग और ब्यूटीफुल आउटस्टैंडिंग चीज़ें ले, वो सब मेहनत के बलबूते पे है। सिर्फ ऐसे कि उन्होंने मुझे बोला मैंने कर लिया नहीं, आई मैंने भी सोचा उस गाने के बारे में, उन्होंने मुझे रफ सॉन्ग भेजा था, मैंने वो गाना सुना, जब उन्होंने मुझे गाना भेजा था मैंने गाना सुना, टच का फोन इज वन ऑफ द, मतलब आज के बारे में मेरे लिए बेसिक था कि टच का फोन सबके पास होता है। सेकेंडली ये था कि इंस्टा है, ट्विटर है, जो कि आज के तारीख में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा मायने है लाइफ में, सब कुछ लाइफ में इनको लगता है करके सोशल मीडिया ही सब कुछ है। एंड तो या ये चीज़ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी करके कि हिना तेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है टू ब्लॉक बस्टर द स्क्रीन राइट ना। सो या मैंने वो भी सोचा, आई लाइक मैं जेन्यूनली आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सोच होती है इंसान को कभी काम काम करने से पहले। या सो या दैट्स द रीज़न आई मेड इट अ पॉइंट करके मैं गाना करूँ। चुटकुला जो होता है ना वो इसका नॉन स्टॉप हुआ करता था। सो या वी हैड अ ग्रेट फन इन दैट 8 hours, वो लगा भी नहीं, हम लोगों के गाना खत्म भी कर दिया। मेरे लिए तो शॉकिंग था बहुत, क्योंकि मैंने गाने किए हैं और मैंने देखा है करके कितना स्लॉग करना पड़ता है, बट हैप्पी गो लकी के साथ काम खत्म करना इट्स अ अचीवमेंट फीलिंग, एक अचीवमेंट फीलिंग होती है, एक खुशी की फीलिंग होती है। सो दैट वाज द इंपैक्ट। सही, अब तो पहला गाना है जी, बिल्कुल बताइए किस तरह का एक्सपीरियंस है आपके पहले गाने में, कितना आपने शुरू से ही ना थोड़ा ऐसे ही था। जब मुझे समीर भाई ने कॉल किए तो पहले दिन ही लेट पहुंचा, उन्होंने बोला भाई ऐसा करोगे, फिर मैंने गाना सुना, मुझे गाना वाकई ही बहुत अच्छा लगा, और गाना अच्छा लगने के बाद मैं रिहर्सल पे भी गया तो मुझे मिले बॉब सर, पवन सर, तो मैं थोड़ा टेंशन में था, बोला पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, मगर जब इन लोगों का मैंने देखा काम देखा और लोगों ने जिस तरीके से समझाया, यकीन मानो मैं एकदम खुश हो गया, बोला अब टेंशन नहीं। यानी पहले होता ना कि आदमी यार मैं जा रहा हूँ पहली बार जा रहा हूँ तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। जब मैं अंदर एंट्री किया तो सर लोग से मिला तो सर ने मुझे 2-3 स्टेप दिखाए कि ऐसा ऐसा करना है, तो मैं बोला चलो कोशिश करूँगा, तो वो स्टेप मेरा ऐसे जहन में बैठा था कि मैं वहाँ भी जाके अगर मैं अपनी भी खुद के वीडियो बना तो चालूंगा, मैं कर लूँगा। फिर वहाँ से फिर हम लोग सेट पे पहुँचे, सेट पे पहुँचने के बाद थोड़ा वहाँ भी वो हुआ, मगर जब सबकी मेहनत देखे, यानी बॉक्सर और पवन सर की, समीर भाई की, सब एकदम यानी कंटिन्यू लगे हुए थे, तो मैं कोई टेंशन में था, मैंने कहा कि जैसे एक्शन शुरू हुआ और फिर जो एक्शन का रिएक्शन मिला तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ क्या हो गया। पूरे 1 साल का जो है मैं 1 रात में नाचा 8 घंटे रुपेश सर आपसे जान चाहेंगे, सर रुपेश सर आपसे जान चाहेंगे, आज आप यहाँ पे आए हैं किस तरह से मोटिवेट करेंगे, या आप भी सेट पे भी गए थे, कैसा आपको एक एक्सपीरियंस रहा अपनी फील्ड से थोड़ा सा अलग? सर पहली बार तो एक क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे सबका नाम इतना पता नहीं है, मैं नितेश भाई को और पवन बॉब सर को इनको तो जानती हूँ, हिना मैडम को और अपने समीर सर, सेट पे भी जब मैं गया था तो मुझे 5 से 10 मिनट के ऊपर समय देने नहीं मिला, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने गाना मैंने पूरा देखा 2 बार, कल भी देखा आज भी देखा, तो इनका जो एक्टिंग और जो स्किल है, जो उन्होंने टैलेंट यूज़ किया है अपने सेट पर पूरा, जब सेट का जो सेटअप किया है वो ऐसा, जब सेटअप पर गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये गाने का नहीं फिल्म का शूटिंग है, तो वो मुझे बहुत पसंद आया कि ये गाने के लिए भी लोग इतना मेहनत करते हैं, इसके पीछे हम तो देख लेते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, लेकिन इसके पीछे इतना मेहनत रहता है ये ऑन फील्ड, इनके वजह से मुझे देखने मिला। समीर जी आपसे चाहेंगे क्यूट लुक एंटरटेनमेंट जी का नया अपने एक तरह से बैनर आई थिंक आप लोगों ने शुरू किया है, इस पर किस तरह से आप इस गाने को रिलीज कर रहे हैं और आगे कैसे कैसे गाने आएंगे? दर्श हो गए अभी ये पहला गाना है सर क्यूट लुक का, अभी बैक टू बैक गाने आते जाएंगे और सारे गाने हमारे टीम ने सुने हैं, मैं तो बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लोग बोल रहे हैं सारे गाने ये अच्छे हैं जो हमारे अभी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, ऑडियो वी हैव ऑलरेडी 4 मोर ऑडियोज रिकॉर्डेड रेडी एंड वेरी सून वी गोइंग टू नेक्स्ट शूट ऑन द फ्लोर। इस गाने को लेकर कोई रिस्पॉन्स है, इनसाइडर्स रिस्पॉन्स लोगों का, जैसे आपने कुछ लोगों को दिखाया होगा, कैसे
रिस्पॉन्स तो बहुत पॉजिटिव था, जिसने भी सुना है देख रहा है सुन रहा है। पहले तो मैं ऑडियो लेके ही सुनाता था लोगों को, वीडियो के पहले तो ऑडियो सुन के भी लोग बहुत खुश हो जाते थे, भाई ये गाना बहुत अच्छा जाने वाला है, इसको अपन बहुत अच्छे से करने वाले। फिर पवन भाई मिले हमारे भाई साहब, इन्होंने तो जादू कर दिया गाने। अरे हीना मैम ऑलवेज लकी चैम, चेरी ऑन द केक, या चेरी, राइट। मैम आप आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बताइए अगर आपको कह रहे हैं इसके अलावा एनीथिंग। अभी फिलहाल गाने ही है और कोविड के वजह से चीजें बहुत बैक हैंड पे है, सो फिर अभी फिलहाल जितना जैसे रिलीज होंगे वो आपको पता चलते जाएगा। और मैं अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं, हम टच के फोन के बारे में ज्यादा बात करें वो बात, क्योंकि अभी फिलहाल टीम है, मैं सोलो नहीं हूं। इंपॉर्टेंट पवन एंड मी यूज टू बी टुगेदर, मतलब मैं आपको सबको पता होगा कि मैं बीइंग अ सेलिब्रिटी बिफोर दैट आई वाज अ बैकग्राउंड डांसर, सो बैकग्राउंड डांसर में इन लोग सब लोग हम साथ में काम करते थे, सो मैं सारे कोरियोग्राफर्स और इन लोग को जानती हूँ। सो इट वाज अ वेरी प्लेजर करके कि हम जो साथ में काम करते हैं वो अपने एक स्टेप ऊपर आने के बाद उनके साथ काम करने में वो जो कम्फर्ट जोन मिलता है ना, नए लोगों के साथ उतना कंफर्ट जोन नहीं मिलता जितना अपनों के साथ मिलता है, जिनके साथ अपन ज़्यादा काम करते हैं, जिनको अपन जानते हैं, तो वो एक कनेक्शन अंदर से आता है। सो मुझे वो फीलिंग था, तो इट वाज अ ग्रेट, ऑलवेज ग्रेट वर्किंग विद पीपल हुम आई नो वेरी वेल। तो हम लोग को भी जब पवन और बॉब को जब हम लोग को जब मालूम पड़ा, मतलब हम लोग ने डिस्कस किया समीर नीलेश हम लोग सब बैठे थे, तो कौन करेगा गाना, तो जब ये बात आया कि हिना को हम लोग लेते हैं तो वी वर लाइक वेरी हैप्पी, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, बैकग्राउंड डांसर्स हम लोग भी थे, हम लोग साथ में डांस भी किए हैं और हम लोग को हिना का पोटेंशियल पता है क्योंकि उसने बहुत सारे आइटम नंबर्स किए, बहुत सारे एक्टिंग की चीज़ें की, तो हम लोग को पता था। तो वी वर बहुत, हम लोग बहुत खुश थे कि चल हिना है तो अपने को टेंशन नहीं, मतलब डांसिंग वाइज हो गया, एक्टिंग वाइज हो गया, गाने को जो मसाला चाहिए हम लोग को पता था कि हिना अपने को जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फर्स्ट डे जब एक ही दिन हम लोग ने रिहर्सल किया है गाने का, तीन चार दिन ऐसा कुछ रिहर्सल हुआ नहीं है, तो जब भी हिना रिहर्सल पे आई, जब कुटन भाई रिहर्सल पे आए, तो बिफोर रिहर्सल मैं और पापा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए करके। तो जैसा ये लोग आए रिहर्सल पे, हम लोग ने बताया कि हिना आपको ये करना है, कुटन भाई आपको ये करना है, तो वी वर लाइक सरप्राइज की, मतलब हम लोग ने सिर्फ 3 घंटा रिहर्सल किया, हम लोग ने पूरा जो शूट है, पूरा जो 4 मिनट का गाना है उसका सिर्फ हम लोग ने एक दिन पहले सिर्फ 3 घंटे का रिहर्सल किया। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, गाना देख के तो आप लोगों को पता ही चल रहा है कि आउटपुट क्या है, जो 3 घंटे का रिहर्सल था। तो इसके लिए थैंक यू सो मच हिना कि हम लोग को हिना मिली है आइटम नंबर में, तो हम लोग दोनों बहुत खुश थे और जो रिजल्ट है वो तो आपके सामने ही है। और पुट्टन भाई जैसा वो बोल रहे कि मैं बहुत डरा हुआ था, मैं बहुत ऐसा था, मैं बहुत वैसा था, तो वो तो पता नहीं, ऐसे ही पता नहीं मेरे को तो। बट वो जब आए ना, जब वो रिहर्सल पे जब फर्स्ट टाइम हम लोग जब मिले ना पुट्टन भाई को, तो हम लोग ऑलरेडी उनके फैन है, तो हम लोग तो ऑलरेडी खुश थे कि अरे पुट्टन भाई आ रहे, उनका गैंग आ रहा है, मतलब उनका गैंग हो गया पुट्टन भाई, उनको मिल के हम लोग बहुत खुश थे कि चल हम लोग को मतलब वी आर गेटिंग द चांस टू वर्क विद देम, तो हम लोग बहुत खुश थे। नीलेश बहुत खुश था, समीर भाई बहुत खुश। तो जब ये लोग आके जब रिहर्सल पे ही एक्चुअली हम लोग को गाना दिख गया था, ये गाना क्या होने वाला है, दिस इज ट्रू, रिहर्सल पे ही पूरी बात हम लोग को पता चल गई थी कि भाई पुट्टन भाई क्या कर रहे हैं। सही सही तरीका मैं बताओ कि अगर जो ये गाना है ना, इन दोनों की वजह से ही, क्योंकि इन्होंने ना सेट पर संयम बहुत रखा, जो होता ना कि हाँ भाई चलो वापस ले लो कोई फटक से, तो यानी सब फटाफट होता चला गया, ऐसा नहीं बहुत से जो होता ना कि क्या हमको कोई टेंशन नहीं यार कि हमसे गलत ना होता, मगर वैसे हुआ नहीं क्योंकि ये लोग थे और टेंशन नहीं ले रहे थे। पवन और मैं भी बैकग्राउंड डांसर थे, उसके बाद असिस्टेंट कोरियोग्राफर बने और अभी कोरियोग्राफी करते, तो हमारे सेट पे क्या होता है ना, आपको कभी शोर मिलेगा ना कभी बड़ी आवाज में कोई बात करेगा ना गालियां देगा, एकदम प्यार से काम, प्यार से काम, मोस्टली काम, एंड वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम द स्पॉट बॉय टिल द प्रोड्यूसर। जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉस पैसा आएगा जाएगा, काम आएगा जाएगा, ह्यूमैनिटी हैज टू बी देयर, और प्यार करो एक दूसरे से। और लास्टली ये बोलना चाहूंगा, आपको गाना पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सुपर हिट करो ये गाना, तो हम लोग बहुत जल्द फिर दूसरा गाना लेके आएंगे, हमारी पूरी टीम। Well, 1 second, Mr. Rupesh, इन्होंने बहुत अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए, thank you so much, and he has to leave for some reason. Well, thank you so much, Mr. Rupesh.